बिहार के अंदर जमींदार बड़ी संख्या में थे। बिहार जाति से आने वाले जमींदारों की संख्या बिहार में सबसे ज्यादा थी, और उस जमाने में जमींदारी बिल लाने का काम, कहते बैठे लोगों को ज्ञात नहीं होगा कि संविधान का पहला जो संशोधन हुआ, वो पहला संशोधन में इस बात का उल्लेख था, वो जमींदारी उन्मूलन के कानून का उल्लेख देश के प्रथम संविधान से। ये हिम्मत कोई दूसरा नहीं कर सकता था कि जमींदारों को खत्म कर दिया जाए, जमींदारी उन्मूलन कर दिया जाए। और श्री बाबू चाहते थे भूमि हकबंदी कानून को लागू करने, लेकिन कांग्रेस समिति की बैठक में विरोध हो गया तो लागू नहीं करवा पाए। उन्हीं के प्रयासों का परिणाम था उनके मृत्यु के 13 साल के बाद और बिहार के अंदर भूमि हकबंदी कानून लागू। तो ये थे श्री बाबू। जमींदारों से जो लगान दिया जाता, जमींदार जो लगान वसूलता था, उसमें एक रूपता नहीं थी। हर जमींदार अपने अपने तरीके से लगान वसूलता था। श्री बाबू थे, उन्होंने जमींदारों के विरोध के बावजूद एक रूपता लाई कि लगान में एक रूपता होगी, किस तरह कैसे लगान लगेगा। ये मित्रों, ये कोई सामान्य बात नहीं था, ये कोई सामान्य बात नहीं थी जो श्री बाबू ने बिहार के अंदर लागू करने का काम किया। अभी विनोद शर्मा जी जिक्र कर रहे थे कि श्री बाबू के जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे, श्री बाबू के जो सचिवालय था उनका जो मुख्यमंत्री सचिवालय, उसमें रामचंद्र प्रसाद उनके सेक्रेटरी थे, उनके मुख्य सुरक्षा अधिकारी थे सूर्यदेव सिंह, जो रात्रि जाति से, उनके गोपनीय पत्रों को टाइप करने वाले का नाम था पकीरालाल, उनके सचिव थे सलाम साहब, यानी उन्होंने अपने सचिवालय के अंदर अपनी जाति के लोगों को रखने के बजाय अन्य जाति के लोगों को रखा।